अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और वीडियो के साथ मैं हूं सैदम इकबाल और आप देख रहे हैं हमजा गुलगालो। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड किया जा सकता है बिना किसी एप्लीकेशन के, विदाउट एनी अदर एप्लीकेशन। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरे चैनल हमजा गुल कॉलर को यहाँ पर रेड कलर के आइकन को सब्सक्राइब कर लें, या वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल के आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप हमारी वीडियो को बिना मिस किए सबसे पहले देख सकें। सो लेट्स बिगिन। तो हम जाते हैं अपनी कहाँ गई ये है इंस्टाग्राम के अंदर जाते हैं। यहाँ पर एक ऐप ये मैंने अकाउंट ओपन किया, ओपन करके ये तीन डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी प्रोफाइल URL के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अपने क्रोम के अंदर जाता हूँ। जाके मैं यहाँ पर ये टॉप के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, इसको मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद लोडिंग हो रही है, ये लोडिंग हो चुकी है। ये प्रोफाइल पिक्चर को मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद क्या डाउनलोड इमेज, डाउनलोड इमेज को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं जाके आप चेक कर सकते हैं ये प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। तो अगर कोई फीमेल जो अपनी पिक्चर्स को दूसरों का शेयर नहीं करना चाहते, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पिक्चर्स को अपलोड ना करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपके लिए कल को नुकसान साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई हुई, और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे हमजा गुल कॉलर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर विजिट करें और वीडियोज़ को देखें। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें। पीस आउट।